don't let me down. मैं पोया कचौड़ी 26 मैं फोन पे कर दूं, एक पोया और एक कचौड़ी कर दो, कचौड़ी में चटनी डालना ठीक है। मुस्कुराते रहो भाई, मुस्कुराते रहो। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्कार, छोटों को हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सवेरे के हो रहे 9:20 और आज का ब्लॉग इस जगह से शुरू हो रहा है गाइस। ये बस स्टैंड के पास में से और राजकमल होटल के पास में से यहाँ से मैं आया था कुछ सामान खरीदने के लिए। पोहे कचौड़ी लिया मैंने घर के लिए और मैंने अपने दोस्त के बाइक लाया गाइस। इसके अंदर पेट्रोल भी डालना है, पेट्रोल कम है इसके अंदर। आप नहीं भी होगा तो डाल लें, क्योंकि दोस्त का लाया तो डालना तो जरूरी है। मैं पेट्रोल डाल दो। डाल दिया जाएगा, फटाफट डाल दिया यार। अरे वाह, थैंक यू भाई को मजा आ गया गाइस मेरे साथ बात करके। तो चलो पेट्रोल भी डलवा लिया। तो गाइस रोड देखो का भी काम चल रहा है गाइस, मस्त लग रहा है। ऐसा पूरा हर जगह हो जाएगा तो सिंधुओं में मजा आ जाएगा। ये देखो इधर पे गड्ढा है, गड्ढों के हिसाब से गाइस बना है, क्योंकि बारिश आते है तो पानिया पूरे रुक जाते हैं, इसके वजह से अभी सब पूरे भरवा रहे उनको। अरे सिंधुओं में बहुत सारे रोडों पे ऐसे गड्ढे गाइस, इसे हर जगह बनेंगे तो मजा आ जाएगा इस गाड़ी चलाने में। तो गाइस ये जो लाया था मैंने सामान, पोहे कचौड़ी घर के लिए नहीं था, अपने दोस्त के लिए था, कादिर साहब के लिए लाए थे अपन ने। अब इनका पैसा इन्होंने तो फोन पे कर दिया। हम पहुंच गए दोस्त के घर, गाड़ी को लॉक भी कर देते, चाबी दे देते उसको। ये रहा मेरा दोस्त के घर, उसको बुलाते जमान ले। एक और बार शुक्रिया आपका, एक बार और आपने चाबी दिया, थैंक यू भाई का एक और बार शुक्रिया। वैसे तो दोस्त है हमारा, क्या शुक्रिया कहना। A few moments later. माँ भजिया खाओगे? ओ बाबा हाँ। नमस्कार। ओ कल परेशान तो नहीं कर रहा थे फिर? नहीं लो बेटा, लेटो कहीं नहीं, आराम से सब बढ़िया, आराम है, आराम से आराम से। तो गाइस अभी मैं इधर आया हूँ, कुछ सामान लाया था मैं, पोहे इसमें भजिए थे, जो अपने गरीब दोस्त थे यहाँ पर सोते सभी, उनको बांटने के लिए आया था। वैसे तो गाइस पहले भी मैं व्लॉग बनाता था इस चीज़ के ऊपर, लेकिन बंद कर दिया था। बांटता तो हूँ मैं, लेकिन व्लॉग नहीं बना रहा था इतने दिन से। अब डेली इसका व्लॉग आएगा, मैं इसलिए व्लॉग में ये बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि हो सकता है मेरे इस काम से और कोई दूसरा देख के ये काम करे और दूसरे लोगों को मदद करे। मेरा तो गाइस बस यही मकसद है कि ऊपर वाला ये मेरा वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी दूसरों की मदद करे। बस मेरा तो यही मकसद है गाइस। एक दो बच्चे भाई ये तेली के अंदर, और यहाँ पर देना है भैया लोगों के, यहाँ पर भी रहते, बाकी क्या पता आज दिख नहीं रहे। हाँ और सोया हुआ एक अम्मा उधर, तो अम्मा को दे देंगे, अम्मा को उठाना पड़ेगा। ये अम्मा सोई हुई बस इधर, अम्मा के पास में रख दिया, अभी सोई हुई तो उठा नहीं सकते उनको। उठा ले अम्मा, सोई हुई गाइस अभी तो उनको उठा नहीं सकते ना, तो इसलिए मैंने साइड में रख दिया है। आई होप कि वो उठ के देख ले, उठेंगे तो उनको दिख जाएगा, आई होप, उम्मीद तो यही हमारा। बहुत बढ़िया। अरे अभी चेयर नहीं, आपका आवाज आ रहा है। सुभान अल्लाह। खुदा राजी हुसैन राजी, माशाल्लाह। तो गाइस अभी 15 अगस्त आ रहा है ना, तो आज रात है, तो कल 15 अगस्त रहेगा, उसकी तैयारियां चल रही है। ये भैया लोग तैयारी कर रहे हैं, और ये देख सकते हो इधर भी इतना मस्त लग रहा है गाइस, वाइट ऑरेंज और ग्रीन में ऑसम। ये मेरा दोस्त है, तो ये कपड़े की दुकान है, तो इन्होंने कहा 15 अगस्त भी आ रहा है, तो उसकी खुशी में दुकान का ब्लॉग भी बन जाए, तो 15 अगस्त भी है, डबल खुशी। आई कर दोस्त का कॉल आया था, दुकान को सजा रहे हैं, तो बोला भाई ने ब्लॉग भी बना बना लो और दुकान भी बता दो, इसकी बात है मेरे तरफ से सभी को मेरे प्यारे दोस्तों को। 15 अगस्त
अगस्त के लिए, सही बोलते 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। पहले से वैसे तो कल है 15 अगस्त, लेकिन आज 14 अगस्त से एक दिन पहले मुबारकबाद दे दिया मेरे आपसे। फिनिशिंग हो रहा है ना, फिनिशिंग काफी मस्त लग रहा है दुकान यार, अच्छी सजाई, खूबसूरत लग रहा है। नहीं यार सवेरे से गाइस भाई लोग सवेरे से लगे हुए तैयारी करने में, तभी तो इतना औसम लग रहा है गाइस। रात होगी सवेरे से लेकर रात रेगुलर काम चल रहा है, तभी तो खूबसूरत लग रहा है गाइस। अब 15 अगस्त आ रहा है तो काम तो करना जरूरी है, एक ही नहीं मेरे दोस्त का एहतराम भी जरूरी है, यही तो मेन चीज है। मुंडी भी लगा दिया गाइस, सोने की मुंडी की चांदी की मुंडी है आई डोंट नो, लेकिन काफी औसम लग रहा है, जो भी है औसम औसम लग रहा है। चले बाय। तो गाइस ये दुकान है सनशाइन, बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है, तिरंगा कितना औसम लग रहा है गाइस। तो गाइस ये हमारे सेंधवा में वैसे तो तिरंगे हर साल लगते हैं, लेकिन इस 15 अगस्त में कुछ अलग करा है हमारे सेंधवा में गाइस। देखो कितना बड़ा तिरंगा लगा चौक के ऊपर गाइस, देख के मजा आ गया हम भाई, काफी खूबसूरत है गाइस, देख सकते हैं आप सभी। रोड पे ही लगा है चौक है, कितना मस्त लग रहा है गाइस, मौसम रात के हो रहे 10:30, जो कि काफी टाइम के बाद गाइस में ब्लॉग बनाया, काफी टाइम हो गया मैंने ब्लॉग नहीं डाला यूट्यूब के अंदर। हाँ मुहर्रम के कुछ छोटे छोटे वीडियो डालता था 2 मिनट के 3 मिनट के, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रेगुलर हम लोग मातम करते, टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग बनाने के लिए। एक बात आपसे भी से कहना चाहता हूँ, जब ब्लॉग स्टार्ट हुआ था मेरा दाढ़ी नहीं था, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, और जब अभी रात को यानी इस वक्त दाढ़ी है, क्योंकि गाइस जो वो वाला क्लिप है ना कई रोज पहले मैंने बना के रखा था मेरे, वो क्लिप को मैंने ज्वाइन कर दिया इस वाले व्लॉग में जो अभी व्लॉग बन रहा है। तो ये अभी का है, वो वाला काफी टाइम पहले का है। अब लोग सोच रहे हैं जब व्लॉग स्टार्ट करता था उसकी दाढ़ी नहीं थी, व्लॉग एंड कर रहा था दाढ़ी कहाँ से आ गए, तो बस यही रीजन है गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्यारा सा व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो आप सभी को भाई लोग लाइक करना एंड शेयर करना है, जो भी मेरा चैनल बना है भाई लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।